हमारे देश में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी जरूरत कई कामों के लिए पड़ती है। सरकारी से लेकर गैर सरकारी कामों में आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड लोगों के लिए पहचान पत्र का काम तो करता ही है, इसके साथ ही बैंक में खाता खुलवाने से लेकर पैन कार्ड तक बनवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता और एक अद्वितीय आधार संख्या समेत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारियां रहती है। ऐसे में इस जानकारी को गलत हाथों में पहुंचने से आप रोक सकते हैं। आधार कार्ड ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन डिटेल होती है। इसकी मदद से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, जिसे लेकर सरकार ने आधार कार्ड यूजर्स को आगाह किया है। सरकार ने साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल से कहा कि आपकी बायोमेट्रिक पहचान लीक हो जाने पर आप वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आधार बायोमेट्रिक को लॉक कर देना चाहिए और आधार कार्ड फ्रॉड की सूचना 1930 पर दे और cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। वही इन टिप्स को फॉलो कर आप आधार बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इसके बाद माई आधार पर टैप करें। इसके बाद ठीक नीचे की तरफ आधार सर्विस पर टैप करें, फिर आधार लॉक और अनलॉक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब आपको आधार नंबर या फिर VID यानी वर्चुअल ID दर्ज करना है, फिर कैप्चा और OTP सेंड करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और 5 अंक वाले OTP दर्ज करने के बाद इनेबल ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक जानकारी लॉक हो जाएगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।